नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमृतसरी छोले भटूरे कैसे बनाए जाते हैं। अगर छोले भटूरे आपके भी हैं पसंद तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, हम मीडियम साइज की 4 प्याज ले लेंगे। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। फिर इसे हम ग्राइंडर की हेल्प से प्याज को हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको ग्राइंड करना है, 8 से 10 सेकंड तक इसे ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज टोटली मिक्स हो चुकी है। तो इसके आगे की प्रोसेस हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, ये ओनियन है, ये कोरिएंडर पाउडर है, ये रेड चिली पाउडर है, ये अमूल का बटर लिया हुआ हमने, ये गार्लिक पेस्ट है दोस्तों, और ये जिंजर के पीसेस हैं, ये टर्मरिक पाउडर है, और ये हमने टमाटर लिया हुआ मिक्स किया हुआ, ये गरम मसाला पाउडर है, और ये छोले का पाउडर, छोले मसाला है। उसके बाद ये दोस्तों अमचूर पाउडर है, ये छोले रखे हुए हैं हमारे, और ये नमक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोसेस में दोस्तों, हम एक रुमाल लेंगे, इसमें हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम काली मिर्च के पीसेस ऐड करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें हम दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे, और थोड़ी सी मात्रा में हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे दोस्तों। इससे क्या होता है कि दोस्तों, इसको जब हम छोले के साथ बॉईल करते हैं तो इसमें एक अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें एक अच्छा कलर भी आता है। अब इसके बाद दोस्तों, हम गैस ऑन करेंगे। उसके बाद हम कुकर को चढ़ाएंगे। कुकर में दोस्तों हम 1.5 से 2 गिलास पानी ले लेंगे। आप अपने छोलों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास पानी का यूज किया है। अब इसमें हम डालेंगे सोडा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वो पोटली जिसमें हमने वो मिक्सचर बनाया हुआ है, जिससे फ्लेवर आ सके। तो दोस्तों, 10 से 15 मिनट बाद हमारे छोले पक चुके हैं। आप देख सकते हैं इनमें कलर भी ब्लैक हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। फिर हम ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम अमूल बटर के पीसेस डालेंगे। थोड़ी देर, जब तक अमूल बटर उसमें मिक्स नहीं होता, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि अमूल बटर अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है धीरे धीरे। फिर इसमें हम छोटे छोटे जिंजर के पीसेस को ऐड करेंगे दोस्तों। जिंजर पीस ऐड होने के बाद उन्हें हल्का ब्राउन होने तक हम पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें इसको अच्छे से चलाएंगे दोस्तों, जिससे यह हल्का ब्राउन हो जाए। और उसके बाद हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे दोस्तों, और दोनों को हल्का ब्राउन होने तक दोस्तों पकाएंगे। जैसे ही दोस्तों हमारा जिंजर और गार्लिक हल्का ब्राउन होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्याज को हम ऐड करेंगे जो हमने पहले से मिक्स करके रखी हुई थी दोस्तों। उसके बाद हम प्याज को हल्का हल्का चलाएंगे, जिससे प्याज ब्राउन हो जाए दोस्तों। दोस्तों, आप देख सकते हो ओनियन हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम दोस्तों 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे, और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा डार्क ब्राउन हो चुका है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों, हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, इसमें हम मसाले ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम रेड चिल्ली को ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने रेड चिल्ली ऐड किया। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम
थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे जिससे ये मसाला अच्छे से मिक्स हो सके। फिर इसको मध्यम आंच पर दोस्तों 2 से 3 मिनट के लिए हल्का हल्का पकाएंगे। दोस्तों ये हमारा मध्यम आंच पे पकता हुआ 2 से 3 मिनट पकने के बाद दोस्तों इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम छोले मसाला पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे दोस्तों और नमक ऐड करेंगे इसमें अपने टेस्ट के अनुसार। उसके बाद दोस्तों इसको हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे जिससे हमारे छोलों का कलर डार्क हो सके। आप देख सकते हैं मैंने सोया सॉस ऐड किया। सोया सॉस ऐड करने के बाद दोस्तों इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला पूरा डार्क हो चुका है और एक अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम छोले ऐड करेंगे दोस्तों। छोले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। छोले को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे छोले मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं दोस्तों। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि छोलों का लुक बहुत ही शानदार आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों छोले की लास्ट स्टेप में दोस्तों हम इसमें लगाएंगे अब हरी मिर्च का तड़का। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कल छोली को गर्म करने के लिए रख दिया है दोस्तों। अब इसमें मैंने बटर के 2 पीसेस ऐड कर दिए हैं दोस्तों और इनको हम तब तक गर्म होने देंगे जब तक बटर अच्छे से पिघल नहीं जाता। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं बटर को अच्छे से गर्म कर रहा हूं और दोस्तों आप आग को देख रहे हैं जो कि ऊपर बटर के निकल रही है। इससे हमारे छोले में एक अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। अब दोस्तों बटर आप देख रहे हैं कि अच्छे से गर्म हो चुका है दोस्तों। तो इसमें हम दोस्तों बटर में अब हम ऐड करेंगे गार्लिक के पीसेस और जिंजर के पीसेस। दोस्तों देखिए मैंने ऐड करे गार्लिक और जिंजर के पीसेस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करी। उसके बाद दोस्तों छोले में कलर लाने के लिए इसमें हम हल्का सा दोस्तों इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे जो कि आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा रेड चिली पाउडर ऐड किया। उसके बाद इसको दोस्तों अच्छे से गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं फायर आग को जो कि इसके ऊपर से जल रही है। इससे दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपके छोलों में और ये तड़का आप जरूर लगाएं। अब दोस्तों इसको हम बने हुए छोले की कढ़ाई में मिक्स कर देंगे और ये हमारा छोले तैयार हो चुका है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस भटूरों की रहेगी दोस्तों। भटूरों की प्रोसेस में दोस्तों ये है मैदा, ये है ऑयल, ये लिया है हमने नमक, ये लिया है हमने बेकिंग सोडा। भटूरे बनाने में हमारी मम्मी हेल्प कर रही हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बेकिंग सोडा को ऐड किया है।
उसके बाद इसमें हमने ऑयल को ऐड किया दोस्तों। ऑयल ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें हमने हल्का सा नमक ऐड किया दोस्तों, आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं इसको ऐड। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है हमें। मिक्स होने के बाद इसमें पानी मिलाएंगे और उसके बाद इस टाइप से हम आटे को बना लेंगे। इसको दोस्तों याद रखें हल्का गीला माड़े, जिससे क्या होता है छोले भटूरे अच्छे से फूलेंगे। दोस्तों आटा मलने के आधे घंटे रखने के बाद इसे हम बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मम्मी हमारी बेलने में हेल्प कर रही हैं। इसको अच्छे से बेलने के बाद दोस्तों हमको ऑयल को अच्छी तरह से गरम करना है। ऑयल की कढ़ाई हाई फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से गरम करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि भटूरा लगभग पूरा बेल चुका है। और लगभग हमारा ऑयल का फ्लेम भी दोस्तों अच्छे से गरम हो चुका है। तो भटूरे बेलने के बाद इसको हम ये देखिए इसको हम तेज ऑयल में डालेंगे दोस्तों, और आप देखेंगे कि हमारा भटूरा कितना शानदार तरीके से फूलता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस रेसिपी से आप एक ही बार में बिल्कुल शानदार तरीके से छोले भटूरे बना सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा भटूरा फूल चुका है, और ये भटूरे की रेसिपी थी दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली हमारे छोले भटूरे हो चुके हैं तैयार। दोस्तों आप देख सकते हो कि इस छोले में कितना शानदार लुक आ रहा है दोस्तों। देखिए आप बहुत ही शानदार लुक के साथ बनते हैं छोले भटूरे दोस्तों इस रेसिपी से। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इस रेसिपी का यूज़ कर सकें। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is